नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज में और आपके साथ मैं हूं गणेश। देश में सड़क दुर्घटना मृत्यु और विकलांगता के प्रमुख कारणों में से एक है। आपको बता दें, कालाढूंगी के हनुमान मंदिर के पास बरसाती नालों में डिवाइडर न बने होने के कारण ये क्षेत्र दुर्घटना संभावित क्षेत्र बना हुआ है, जिसके चलते कालाढूंगी के स्थानीय युवाओं ने इस दुर्घटना संभावित क्षेत्र में डिवाइडर बनाने की मांग को लेकर आज कालाढूंगी उपजिलाधिकारी रेखा कोहली को ज्ञापन सौंपा। इस बारे में बात करते हुए स्थानीय युवा मयंक गुप्ता ने कहा, रात के समय अंधेरा होने के कारण यहाँ दुर्घटनाएं हुई हैं और भविष्य में भी दुर्घटना होने का डर है, इसलिए SDM कालाढूंगी रेखा कोहली को हम लोगों की ओर से दुर्घटना संभावित क्षेत्र में डिवाइडर बनाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। मुझे कालाढूंगी के कुछ ग्रामवासियों द्वारा एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें रघुड़िया बाबा हनुमान मंदिर के पास एक डिवाइडर लगाने की उनके द्वारा मांग की गई है, जो कि मेरे द्वारा भी PWD को भेजा जा रहा है और इसको हम समय रहते इसको लगवाएंगे। रघुड़िया बाबा मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर, उससे पहले एक नाला है चपटा और उसके बाद में नाला चपटा पड़ता है, वहाँ पर डिवाइडर ना होने के कारण बहुत सारी दुर्घटना हो सकती है और हो भी रही है। तो वहाँ पर डिवाइडर लगाने के संबंध में हमने SDM महोदय को आज ज्ञापन दिया है कि वहाँ अतिशीघ्र से शीघ्र डिवाइडर लगाया जाए, क्योंकि अब क्या बरसात का टाइम भी स्टार्ट होने वाला है, तो वह नाला है उसमें कोई भी व्यक्ति हमारा कोई व्यक्ति ना बहे, इसी कारण आज हमने यहाँ SDM महोदय को ज्ञापन दिया। ये रिपोर्ट आपके लिए तैयार की थी हमारे संवाददाता दीपक अधिकारी ने। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए JJN न्यूज़।